नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों मैं उमेश मौर्य आज भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करें, साथ में नोट जरूर कर लिया करें, बिकॉज ये जानकारी कई बार आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्टेटिक जीके के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्पफुल हो जाती है, राइट। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुमन फ्रांसिसा सुसानो हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 124, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला फ्रांसिसका सुसानो का निधन 124 साल की उम्र में हो गया है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जापान, चाइना, इंडोनेशिया या फिलीपींस। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है फिलीपींस। जी फिलीपींस की हैं फ्रांसिस्का सुसानो, राइट। इनका एज जो है वो 124 की एज में इनका निधन हो गया है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट वुमन रही हैं, राइट। तो एक तरीके से इनके नाम ये रिकॉर्ड बन गया है अब तक का। साथ में जब आप ये नाम याद कर रहे हैं तो आपको एक स्टेटिक पार्ट में फिर से चले जाना चाहिए या करंट पार्ट में ही उसको आप ढंग से पढ़ सकते हैं कि अभी फिलहाल पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट पर्सन कौन है, सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन कौन कौन है, राइट, सबसे हेवीएस्ट पर्सन कौन है। इन सारे एस्पेक्ट्स में आपको एक बार सरसरी निगाह जरूर मार लेनी चाहिए, क्वेश्चन ऐसे भी कई बार बन जाता है, राइट। तो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसको। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच स्टेट गवर्नमेंट मिंटो हॉल हैज बिन रिनेम्ड एज कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। किस राज्य सरकार द्वारा मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है? तो यहां पे ऑप्शंस गिवन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन जान लें। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है ठाकरे, कुशाभाऊ ठाकरे, तो ठाकरे से आप यहाँ बिल्कुल भी महाराष्ट्र का अंदाजा मत लगाइएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र तो नहीं है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है मध्य प्रदेश। जी तो मध्य प्रदेश में जो हॉल है इसका नाम है मिंटो हॉल, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, राइट। अगर हम स्टेटमेंट को देखें, ऑफिशियल स्टेटमेंट को देखें, तो वहां ये बोला गया है कि ये जो हॉल है वो यहाँ के लोगों के खून पसीने और यहाँ के मिट्टी और जल से बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये जो हॉल है वो अंग्रेज के नाम पे क्यों रखा जाए, राइट। तो कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पे ये हॉल किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कुशाभाऊ ठाकरे जो हैं वो बीजेपी के एक्स नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यानी कि बीजेपी के एक्स नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे। तो एक पर्सनैलिटी के रूप में आपको पढ़ लेना चाहिए इनको, इनका पॉलिटिकल करियर किस तरीके से रहा है या एक तरीके से सामाजिक क्षेत्र में इनका किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रही है उसको भी आप ढंग से पढ़ सकते हैं, राइट। और मिंटो हॉल की एक तरीके से हिस्टोरिकल एक, अगर इसको आप हिस्टोरिकल प्लेसेस के टर्म में देखें, एक हेरिटेज के टर्म में पढ़ना चाहें, तो ये कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था और किस तरीके से ये खास है, इन सारे हॉस्पिटल भी आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इंडिया हैज बिन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। हाल ही में भारत को कितने वर्षों के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स या 2 ईयर्स। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है 4 ईयर्स। जी भारत को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में 4 साल के लिए चुना गया है, और कब से कब तक ये आप जान लें, 2021 से 2025 तक के लिए चुना गया है, राइट। तो ये समय आप याद कर लें, लेकिन साथ में आपको और भी समय याद कर लेना चाहिए, बिकॉज इंडिया इसके पहले भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में रह चुका है, राइट। और अपने इस मतलब कि इस इन टाइम में भी भारत ने अपना अच्छा योगदान दिया है, राइट। तो वो समय है मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, आपको याद कर लेना चाहिए, 1985 से 1991 तक भी भारत रहा है, राइट। और फिर बात आती है 2001 से 2007 तक की, राइट। तो ये भी आप याद कर लें। नेक्स्ट आता है 2011 से 2015, राइट, 2011 से 2015, तो ये समय भी आप याद कर लें, राइट। और यहाँ पे पढ़ने के लिए डिटेल में बहुत कुछ है, यानी कि यूनेस्को को भी आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए और खासतौर पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, यानी कि ये जो कमेटी है वो क्या है, किस तरीके से काम करती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया में यूनेस्को के द्वारा कितने हेरिटेज घोषित किए गए हैं, राइट, उनके टर्म में भी आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए, याद कर लेना चाहिए, क्वेश्चन उनके टर्म में तो बनता ही रहता है और आगे भी जरूर बनता रहेगा, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज बिन रिसेंटली फाइंड 1 करोड़ बाई आरबीआई फॉर वायलेटिंग रूल्स।
हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर नियम उल्लंघन के कारण 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जान लें, करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो बैंक का नाम आप अच्छे से याद कर लें। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन इस तरह के जनरली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन बन जाता है और आपको बाद में मालूम पड़े कि सिर्फ आपको बैंक का नाम याद करना था और आप उसको याद नहीं किए, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो काफ़ी एक तरीके से रिग्रेटिंग हो जाता है आपके लिए कई बार, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पर भी, ऐसे पॉइंट पर भी कई बार आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट, क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आरबीआई ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है, और ये जो जुर्माना लगाया गया है वह जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, राइट, 1949 जो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके 192 सेक्शन को वायलेट करने के टर्म में किया गया है, राइट। डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ यही बैंक का नाम याद रखें और किस उल्लंघन के लिए किया गया है ये आप दिमाग में रख सकते हैं, राइट। इसके टर्म में अगर क्वेश्चन बनना होगा तो इन्हीं दोनों बेसिकली पॉइंट पे बनेगा, डिटेल में आप जरूर जा सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द नाइटहुड ऑफ पाटे गुल्फा? नाइटहुड ऑफ पाटा गुल्फा अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, एस के सोहन राय, रोहित रॉय, सुभाष लक्ष्मण या अमित रॉय। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है एस के सोहन रॉय, राइट, नाम आप अच्छे से याद कर लें। इनको सम्मानित किया गया है नाइटहुड ऑफ पाटा गुल्फा अवार्ड से, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये सीईओ हैं और फाउंडर हैं एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज के, राइट, क्या हैं, सीईओ एंड फाउंडर हैं किसके, एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो कंपनी का नाम आप याद कर लें, एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज, राइट। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज बेसिकली किस फील्ड में है और इसका एक तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें मतलब कि नाइटहुड ऑफ पाटा गुल्फा अवार्ड को, कि ये अवार्ड क्यों दिया गया है एस के सोहन राय को, तो मैं आपको बताऊं कि एस के सोहन राय को जो बिजनेस है और जो मूवीज हैं उनमें ह्यूमैनिटेरियन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के तहत या ह्यूमैनिटेरियन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करने के लिए, उसके एफर्ट करने के लिए ही बेसिकली एस के सोहन राय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राइट। तो नाइटहुड ऑफ पाटा गुल्फा को आप डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं, ये अवार्ड क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है और इसके लिए बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं बन सकता है, राइट। यही तो हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जरूर आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्प हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो, राइट। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो करें, बिकॉज वहाँ पे भी हम आपको बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं एग्जाम्स रिलेटेड, राइट। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिटेल में दी जाती है लेकिन पॉइंट वाइज दी जाती है, और जितने भी फील्ड्स हैं यानी कि जिन फील्ड से क्वेश्चंस बनते हैं उन सारी फील्ड्स की न्यूज़ दी जाती है पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से याद कर पाएँ, नोट कर पाएँ और उसको एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा पाएं, ताकि आपको वहां पे उसकी हेल्प मिल पाए, राइट। तो जरूर जाएं वहां पे, करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ें, राइट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।